वर्कशीट नंबर 30 ग्रामर रिपोर्टेड स्पीच, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट 30 रिपोर्टेड स्पीच जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बेस्ड है। रिपोर्टेड स्पीच इज़ हाउ वी कन्वे द स्पीच ऑफ अदर पीपल और व्हाट टू से। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि किस तरह से हम दूसरे लोगों की स्पीच को कन्वे करते हैं या हम क्या कहते हैं, किस तरह से हम उसे बोलते हैं। दो तरह की रिपोर्टेड स्पीच होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जैसा स्पीकर ने बोला, जैसे बोलने वाले ने बोला, सेम टू सेम एग्जैक्टली हम वैसा ही बोल देते हैं और उसे कोटेशन मार्क्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। जैसे कि टीचर ने अनु से बोला यू आर अ गुड स्टूडेंट, सो टीचर सेड टू अनु कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। तो जैसे टीचर ने अनु से बोला सेम टू सेम हम भी वैसा ही लिख रहे हैं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है रिपोर्टिंग व्हाट द स्पीकर सेड इन इन ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अब स्पीकर क्या बोलना चाहता है उसे अपने शब्द में बोलना, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं करना, उसमें हम कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते। जैसे टीचर टोल्ड अनु दैट, टीचर अनु को यू बोल रही है, हम उसको शी बोलेंगे, और यू प्रेजेंट टेंस का हमें करती है पास्ट टेंस, शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब आपको कुछ रूल्स दे रखे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करने से रिलेटेड, सम रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है सिंपल, जो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसे हम पास्ट फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं, और जो पास्ट सिंपल और कंटिन्यूस होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि आप इतना याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और सेकंड फॉर्म है तो हम हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऑलरेडी हैड लगाकर थर्ड फॉर्म है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जैसे हैड बीन गोइंग, इस तरह के सेंटेंसेज हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेज है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करते। और मॉडल वर्ब्स है तो उसमें विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का हैड टू, इस तरह से हम मॉडल वर्ब्स को चेंज करते हैं। और टाइम्स में बच्चों अगर टू नाइट दे रखा है तो उसे हम दैट नाइट कर देते हैं, टुडे दे रखा होता है दैट डे कर देते हैं, यस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे हो सकता है, द फॉलोइंग डे हो सकता है, और नाउ का देन हो जाता है, लास्ट वीक का द वीक बिफोर या प्रीवियस वीक हो सकता है। ये सारे रूल्स हमें याद रखने हैं। अब आपको कुछ सेंटेंसेज दे रखे हैं। पहला सेंटेंस आपको दे रखा है डायरेक्ट स्पीच का, द टीचर सेड वेयर योर मास्क प्रॉपरली, टीचर ने कहा अपने मास्क को प्रॉपरली पहनो, द टीचर टोल्ड अस टू वेयर आर मास्क प्रॉपरली, टीचर ने हमें बोला अपने मास्क प्रॉपरली पहनो। अमन सेड आई विल विजिट मॉल टुमारो, अमन ने बोला मैं कल मॉल जाऊँगा, तो अमन सेड दैट, अमन अपने आप को ही बोल आई बोल रहा है, हम उसे ही बोलेंगे, और विल की हम सेकेंड फॉर्म वुड बना देंगे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे बना देंगे। थर्ड सेंटेंस है हमारा, द डॉक्टर सेड यू कैन मीट मी टुडे, डॉक्टर ने कहा तो मुझे कल आज मिल सकते हो, तो डॉक्टर सेड दैट, अब डॉक्टर हमें यू बोल रहा है, हम अपने आप को वी बोलेंगे, कैन के सेकंड फॉर्म कोड लगा देंगे, टुडे का दैट डे कर देंगे। मोहित सेड आई कुड रीड व्हेन आई वाज 4, मैं जब 4 साल का था पढ़ सकता था। मोहित सेड दैट, मोहित अपने आप को आई बोल रहा है, हम उसे ही बोलेंगे, देखिए कॉमा लगा के दैट तो सब सेंटेंसेस में लगा रहे हैं। अब ही कुड रीड वेन ही वॉज 4, तो ही वेन वो अपने आप को आई बोल रहा है, हम उसे क्या बना देंगे, ही बोल देंगे, वो पढ़ सकता था जब वो 4 साल का था। अब आपको कुछ सेंटेंसेज दे रखे हैं, उसको आपको डायरेक्ट से क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में उन सेंटेंसेज को आपको चेंज करना है। पहला सेंटेंस है सोनिया सेड टू हर फ्रेंड आई लर्न मैनी न्यू थियोरीज यस्टरडे, तो आप सोनिया सेड टू को क्या बना देंगे, टोल्ड लिख देंगे, सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड, अब सोनिया अपने आप को आई बोल रही है, हम उसे शी बोलेंगे, लर्न सेकेंड फॉर्म है तो उसमें हैड लगाकर थर्ड फॉर्म शी हैड लर्न लिख देंगे। सोनिया टोल्ड दैट शी हैड लर्न मैनी न्यू थ्योरीज यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, जो पिछला दिन था द प्रीवियस डे, इस तरह से पहला सेंटेंस हो जाएगा। सेकेंड हमारा सेंटेंस है ही प्रोमिस आई विल कम्प्लीट माई असाइनमेंट टुमारो, उसने कहा तो कॉमन वर्ड टू कॉमन आके हम दैट लगा देंगे, वो अपने आप को आई बोल रहा है, हम उसे ही बोलेंगे, बिल का हम क्या बना देंगे, वुड बना देंगे, ही वुड कम्प्लीट माई असाइनमेंट बोल रहा है तो हम उसको हिज असाइनमेंट बोलेंगे टुमारो। तो इस तरह से जहाँ जहाँ चेंज हो सकता है वहाँ वहाँ हम चेंज करेंगे, कॉमन वर्ड टू कॉमन आके दैट लगा दिया, वो अपने आप को आई बोल रहा है, हम उसे ही बोलेंगे, बिल के सेकंड फॉर्म वुड बना देंगे, कम्प्लीट वो अपने असाइनमेंट को माई असाइनमेंट बोल रहा था, हम उसे हिज असाइनमेंट बोलेंगे, और टुमारो को क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे बन जाएगा। अगला सेंटेंस है शी सेड आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, उसने कहा मैं अपनी माँ का इंतजार कर रही हूँ, तो शी सेड दैट, वो अपने आप को आई बोल रही है, हम उसे क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे, और एम का बन जाएगा वॉज बन जाएगा, वो अपनी मदर को माई मदर बोल रही है तो हम उसको बोलेंगे हर मदर, तो शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर। फोर्थ सेंटेंस है रमन सेड ही विल बी इन मुंबई ऑन संडे, रमन ने कहा कि वो संडे को मुंबई में होगा, तो रमन सेड दैट ही विल का क्या बन जाएगा, वुड बी इन मुंबई ऑन संडे। फिफ्थ है मीरा सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मीरा ने बोला कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सके, तो मीरा सेड दैट
मीरा अपने आप आई बोल रही है, हम उसे शी बोलेंगे। कैन का क्या बना देंगे हम? मीरा अपने आप आई बोल रही है, हम उसे शी बोलेंगे। और कैन का हम क्या बना देंगे? कुड बना देंगे। शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, डैड सेड आई नीड टू बी एट वर्क अर्ली दिस इवनिंग। डैड ने कहा कि आज मुझे काम पे जाने जल्दी जाना है। तो डैड सेड दैट, डैड अपने आप को आई बोल रहे हैं, हम उन्हें क्या बोल देंगे? डैड को हम बोलेंगे ही बोल देंगे। और नीड की सेकंड फॉर्म हम लिख देंगे ही नीडेड टू बी एट वर्क अर्ली दिस वीक। कल बना देंगे हम दैट वीक बना देंगे। तो जहाँ जहाँ चेंजेस होते हैं वहाँ वहाँ चेंजेस करके हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके ये आपकी जो वर्कशीट है इस तरह से इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे।